Hi, assalamu alaikum friends, and welcome to Raja A Rehman official. Hope you are all fine and I am also fine. Guys, आज मैं CorelDraw का course start करने जा रहा हूँ जिसमें मैं CorelDraw को सिखाऊंगा. जैसे कि Photoshop की काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उससे काफ़ी ज़्यादा सीखा होगा, क्योंकि YouTube पे सबसे टॉप पे मेरा कोर्स ही जा रहा है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का Photoshop पे. तो उसके बाद मैंने Adobe Illustrator का कोर्स जो है वो भी अपलोड किया, पर उसमें मुझे इतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं आया. पर अब मैं CorelDraw का स्टार्ट करने जा रहा हूँ. कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी, कमेंट्स भी किए, और वैसे भी मैंने स्टार्ट करना था तो काफ़ी अर्से बाद मैं ये चीज़ें स्टार्ट करने लगा हूँ, क्योंकि मेरा सिस्टम जो है उसको कुछ गड़बड़ हो गई. तो उसके बाद कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स, फिर स्टूडेंट्स का आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं. तो ये मैंने नया सिस्टम बनवाया है, ये है Core i5, ठीक है. इसमें अभी 4 GB रैम लगी है. जस्ट मैंने सिस्टम परचेज़ किया है लिनेवो का, तो अब से मैं जो है इंशाल्लाह वीडियोस पे काम करूँगा, और जो जो वीडियोस आप मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे रिक्वेस्ट करेंगे वो मैं उनको दिया करूँगा. तो मैं जो CorelDraw आपको स्टार्ट करूँगा, CorelDraw X7 है मेरे पास. इसका डाउनलोड लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. आई थिंक सो इट्स फॉर 32 bit 64 bit, लेट्स सी. मेरे पास 32 bit इसके अंदर लिखा है CorelDraw X7 2. मैंने डाउनलोड तो कर लिया पर मुझे इतना पता नहीं चला. खैर, हम यूज़ करेंगे इसको और देखते हैं. ये है CorelDraw, इसमें क्रैकर्स का फोल्डर. मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ. सबसे पहले तो मैं वीडियो को इंस्टॉल कर, इस वीडियो में तो इंस्टॉलेशन का तरीका बताऊँगा, और देखते हैं अगर ये इंस्टॉल हो गया तो वेल एंड गुड. तो ये इसका सेटअप इंस्टॉलाइज होने शुरू हो गया है. तो CorelDraw मैं आपको बेसिकली बता दूं, CorelDraw ज़्यादातर यूज़ होता है प्रिंटिंग की फील्ड में, और लोग इनको यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल CorelDraw में, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल मैं इसको इंस्टॉलेशन का बताऊं तो वो ज़्यादा बेहतर है. तो यहाँ पे ये हमारे पास सीरियल नंबर मांग रहा है, आई डोंट हैव सीरियल नंबर. इसको मैं सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ और टिपिकल इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर दूंगा, तो इसकी इंस्टॉलेशन हमारे सामने स्टार्ट हो जाएगी. तो ये CorelDraw X7 वर्जन है, हालांकि इसका X8 वर्जन आ चुका है, और CorelDraw X4 से लेके X8 तक तकरीबन वर्जन सब एक जैसे ही हैं. अगर आपके पास CorelDraw X7 डाउनलोड हुआ पड़ा या कुछ और वर्जन है तो आप उस पर भी CorelDraw को यूज़ कर सकते हैं इन वीडियोस को देख के. और सिस्टम आपका कम से कम Core 2 होना चाहिए. इसको इंस्टॉल तब आप करके इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकेंगे विदाउट हैंगिंग. हालांकि ये इतना हैवी भी नहीं होता है, पर कम से कम आपके पास Core 2 तो होना चाहिए. मेरे पास Core i5 है, इसकी इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आपने वेट करना है, कोई जल्दी नहीं है. मैं इसकी इंस्टॉलेशन का वेट करूंगा, और जहां पे इंस्टॉलेशन मुकम्मल होगी वहां से मैं वीडियो दोबारा से रेज्यूम करूंगा. अभी ये कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है. मेरे ख्याल से इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है. और मुझे इंटरनेट भी डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा. चेंज अडाप्टर में जाके आप जैसे इंटरनेट को डिसेबल कर सकते हैं, बाद में इनेबल कर दें. ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन आप इसको डिसेबल कर दें, इंस्टॉलेशन के बाद आप इसको इनेबल कर लें. ये मैंने इंटरनेट नीचे से डिसेबल कर दिया है, और मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ 10. विंडोज़ 7 पे भी आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1, और विंडोज़ 10 पे भी. 10 पे मैंने इंस्टॉल नहीं किया, ये मेरी फर्स्ट इंस्टॉलेशन है विंडोज़ 10 पे, और फर्स्ट एक्सपीरियंस भी है मेरा विंडोज़ 10 पे. मुझे कुछ इतना पता नहीं है विंडोज़ 10 के बारे में, किस पे सॉफ्टवेयर किस तरह वर्क करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें पेश आ सकती हैं, यार देखते हैं. जी, तो हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, द इंस्टॉलेशन वाज सक्सेसफुल. यहाँ से मैं फिनिश कर दूंगा, एंड देन ये हमारे पास फोल्डर था. ये CorelDraw X7 है, इसमें कोरल फोटो पेंट, कोरल कनेक्ट, कोरल एक्स कैप्चर, बिट स्ट्रीम, इन की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी. मैं इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ. CorelDraw X7 को ओपन करूँगा,
and let's see. Okay, welcome to your trial version. यहाँ से ये trial version कह रहा है continue कर दूँगा. मैं यहाँ से register later and continue. इसको हम crack बाद में करेंगे. जी तो हमारे पास ये वर्जन ओपन हो चुका है CorelDraw X7. अगर आप ऊपर नोट करें तो यहाँ पे एवेल्यूएशन वर्जन लिखा है जो कि ट्रायल वर्जन ही उसको कहते हैं. तो इसको इंस्टॉल ठीक है. आपने हेल्प में जाना है ऊपर से और साइन इन पे क्लिक करना है. साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसने बताया कि 30 डेज आपके पास लेफ्ट रह चुके हैं. आपने ऑलरेडी परचेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे इंटर सीरियल नंबर. तो यहाँ पे ये हमारे पास सीरियल नंबर आ जाएगा. ठीक है, अब आपने उस फोल्डर में जाना है जो इंस्टॉलेशन और फोल्डर है. यहाँ पे क्रैक है और इंस्टॉल क्रैक कीजन को आपने ओपन कर लेना है और यहाँ से आपने CorelDraw X7 वर्जन सेलेक्ट करना है. सीरियल नंबर इसने ऑटोमेटिक दे दिया. आपने इसको सेलेक्ट करके कॉपी करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल बी और देन एक्टिवेट ऑफलाइन पे क्लिक करना है. एक्टिवेट ऑफलाइन करेंगे तो ये हमारे पास इसने एक ये इंस्टॉलेशन कोड है. ये हमने सीरियल नंबर पुट किया था, ये इंस्टॉलेशन कोड है. ये हमने इसको एक्सपोर्स को ऊपर ले आना है. यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन कोड यहाँ पे लिख देना है, ये वाला. तो मैं लिखता हूँ XE7U-G N35-TT5B-NWRJ-AD-PW. तो ये इनपुट करने पर आपने यहाँ पे जनरेट एक्टिवेशन कोड पे क्लिक करना है. तो एक्टिवेशन कोड हमारे पास आ जाएगा. आपने इसको सेलेक्ट करना है. सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी यहाँ पे पेस्ट करके कंटिन्यू कर देना है. यहाँ पे ये एरर देगा, एरर इनवैलिड सीरियल नंबर. आपने जस्ट ओके करना है एंड देन यहाँ पे आ जाएगा थैंक यू योर परचेज इज नाउ कम्प्लीट एंड देन आप इसको क्लोज कर दें. तो अब इसको क्लोज करें टोटल. अब मैं इसको दोबारा से ओपन करूँगा CorelDraw X7 को. ठीक है, ओपन मैंने किया एंड क्लोज. और इस दफ़ा ये बिल्कुल ओके ओपन होगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगा. और ये आप देख सकते हैं CorelDraw X7 वेलकम स्क्रीन. आप यहाँ से फाइल में जाएं, न्यू बनाएं, कोई भी फाइल क्रिएट करें, सब ऑप्शन आपके पास इनेबल हो चुके हैं और अब आपके पास ये प्रीमियम वर्जन एक्टिवेट हो चुका है CorelDraw. अगर आप ये वीडियो इस वजह से थी कि जिन लोगों को CorelDraw इंस्टॉल करना नहीं आता है तो उनके लिए है. CorelDraw का कोई भी वर्जन होगा X4 से लेके X8 तक तो वो उसको उसी तरीके से इंस्टॉल कर सकेंगे. एंड अगर आपको यही वर्जन चाहिए है जो मेरे पास है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखें तो आपके पास डाउनलोड लिंक आ रहा होगा, तो आप उससे डाउनलोड कर लें. होप सो. अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा. एंड thanks for watching. Goodbye. Allah Hafiz.